फुटबॉल लगेंगे वैसे नहीं। अच्छा उसका नाम राधा है, इसका नाम अनुष्का है। लेटरिंग की होगी उसी को लिप देना है अभी बाद में लास्ट स्टेज। अच्छा हां लास्ट, यही हम लोग का प्लान है, उसके बाद खेलना है। आपको हम बताते हैं सेंचुरियन में जो पिच बना है ना, हम बनाए हैं सेंचुरियन, आप जान रहे हैं साउथ अफ्रीका। तो थोड़ा सा हम वहाँ मरम्मत किए, थोड़ा सा यहाँ उछाल होता था, थोड़ा यहाँ कर दिए। और एक माचिस में बहुत सारा कांटे होता है, मगर एक कांटे का ही काम है, क्योंकि घर जलाने या बिजली जलाने के लिए एक ही माचिस का जरूरत पड़ता है। बस जल गया आपका बॉल भी गंदा हो जाएगा, पहली बात शादी पूरा गीला हो जाएगा, टपकाओगे कैसे, लुड़ू लुड़ू आएगा, मजा नहीं आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं फ़िलहाल आकाश के मोबाइल से ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ एंड उसका फ़ोन में चेक कर रहे हैं कि कैसा क्वालिटी देता है। अभी ये वीडियो 1080 60 फ्रेम पर सेकंड पर यूज़ हो रहा है एंड वो रहा आकाश जो कि आगे आगे जा रहा है एंड उसका आगे बल्लू भी है। बहुत जोर के अभी धूप चल रही है और अभी हम लोग आए हुए हैं पिच को साफ़ करने के लिए, मतलब पिच को छीलने के लिए। हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उससे पहले हम लोग, अरे वाह इतना जहरीला आते हो, देखो एक बार फिर से हिला, एक बार फिर से हिला। पेड़ का पूरा पुराने ले लिया था। अरे हमको भी देना बल्लू, पहले मैं बैर चुन लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे बल्लू कितना सारा उठा के साला नहीं सके। बहुत टेस्ट है, एक देख लो, हरे है मगर देखना मेरा है, खा के देखो। चलो क्वालिटी तो जबरदस्त देता है तेरा मोबाइल, देखो ब्लर मोड कितना मस्त किया, देखो मेरे हाथ को फोकस किया, बैकग्राउंड ब्लर कितना मस्त, आईफोन 12 को बीट करता है। ये रहा ये ब्लर मोड इतना मस्त दिया है, मेरे इसको फोकस किया हुआ, देखो आकाश कैसा पूरा ब्लर हो गया। ये तो सिर्फ DSLR में पॉसिबल होता था बट इसमें पॉसिबल है। तो बैर खाते हैं सबसे पहले सब कुछ, मीठा तो है, पेड़ का पूरा प्राण ले लिया लेकिन तुमने, पतला दुबला ले अपने है ही। अभी क्या कर रहे हो काशु? अच्छा फिर से हम लोग बैर झाड़ने के लिए, देखो यहाँ पर है बहुत सारा, उसको डंटा तोड़ रहा है पूरा लाल लाल एकदम। आकाश पूरा फोम में आके डंटा निकालेगा अभी। चलो काश एक ही बार में सबको झाड़ के खत्म, बीचे मारो एकदम। इतना सारा गिर बना, अभी बना यार इतना करके बनाता तुम लोग, अभी इतना मस्त गिरा नहीं, इतना इतना बना पचकल पचकल तो हो लग रहा, गाली दे दो भी, देख देख कितना सारा गिरा, चल सब उठा काट देंगे। अच्छा एक नंबर बना रहा, वीडियो बना होगा मस्त एकदम, एकदम इतना सारा गिरा ना का, अभी भी यहाँ पर खत्म आ गया साला एक ही आराम से, सही साइड में खत्म हो गया डंडा मेरे पर। चलो जब जितना चुनना था सब हम रख लिए, अब फिर से अभी अभी फिर से पैर को हम लोग झाड़ते हुए, आकाश एकदम एम लगा रहा है कि किधर से ज़्यादा बैर गिर सके। अब गिरा है यार अभी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन डंटे में पूरा पार कर दिया यार उधर, अब कैसे झाड़ेंगे फिर, डंटा काम गच्छ में पार कर दिया है और अभी फिर से गिरा, लेकिन आधा कच्चा कच्चा गिरा दिया रे। चलो चलो ये सब सब कभी उठा लेते हैं, कचोला चलेगा, कच्चा भी चलेगा, ये बहुत ज़्यादा कच्चा कच्चा भी है, हरा हरा एकदम। सर क्वालिटी बहुत मस्त देता है यार, मेरा इन्फिनिक्स का तो सामने कुछ नहीं है, मेरा फोन का मेरा वो है, मेरा इसका रेटिंग जाकर देखो तुम अच्छे में, लुक मेरा फ़ोन इन्फिनिक्स कुछ क्वालिटी नहीं है, बस बात करने के लिए और कुछ नहीं। 12:21 हो रहा है, दोपहर का भी 12 बज रहा है, गर्मी दिन जैसे जैसे आ गए उस समय हम लोग यहाँ पर मस्त पूरा घूमेंगे, पूरा आम पेड़ यहाँ पे, अच्छा इधर नहीं आम पेड़ उधर है, बैर पेड़ जामुन, अच्छा जामुन का पेड़ है क्या बोल रहा हूँ, इधर जामुन का भी है, जामुन में पूरा लीची का भी, अच्छा इधर लीची का भी पेड़ हो गया पूरा गर्मी में, उधर मस्त उधर दोनों दोनों लीची पेड़ उधर, अच्छा सब सारा सारा बल्लू का है, पूरा बगान ही तुम्हारा है, अरे यार राजा है राजा है पूरा।
अरे पेड़ चढ़ने में मजा आएगा, लेकिन अब अभी नहीं चढ़ेंगे। काफी हो गया, मेरा पॉकेट पूरा सब भर गया, लेकिन मेरा पूरा पॉकेट भर गया गाइस, अब रखने का ही जगह नहीं मेरे पास। नमक के साथ भी खा सकते हैं, देखो रगलरू नमक लाया। ब्लर मोड बहुत मस्त दिया यार, ये फोकस करता है। देख बोले तो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, देख देख तुम्हारा हाथ को कैसे फोकस किया। चींटी देखो इतना, देखो इतना ज़्यादा पास में भी चींटी देखो कैसे फोकस, नमक में कितना क्लियर दिख रहा है। चलो अब खाते हैं सब सबको हम लोग, और फिर चलते हैं, पिच भी बनाना है। पिच को हम लोग को प्लेन करना है, पूरा बॉल टपकाते हैं इधर तो आ जाता है, आन तो जाता है, कान फेंकते हैं बाया फेंको तो दही ना जाता है, तभी उसी को प्लेन करना है। धूप के टाइम ही करेंगे, कहे कि अभी सूखा हुआ पीछे बहुत मस्त होगा। अरे रुक जा, नमक नमक देख खाना अगर कीड़ा उड़ा हो गया। हाँ अभी गाइस हम लोग बैर खा करके ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन नमक बचले हैं तो हम लोग बगल में देखो इमली का पेड़ है, और इमली यहाँ पे बहुत सारा फहरा हुआ है, हम जूम नहीं कर सक रहे, कहे कि मेरे हाथ में नमक है। बट यहाँ पे देखो आकाश देखो झाड़ रहा है, वहाँ पर डांग लेने गया, इधर आने का इधर का तोड़ेंगे, इधर का थोड़ा फ्रेश दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है, फ्रेश भी दिख रहा है, धूप सीधा पड़ता है इधर, पूर्व का धूप, हम लोग पश्चिम वाला धूप नहीं चाहिए, पूर्व का वाला। यहाँ पर देखो आकाश लेके आ रहा बांस, झाड़ में पारेगा कि नमक और फेंकेंगे ना रे, और देखो गिरा दिया आकाश। अभी हम लोग के हाथ में लग गया है इमली, जो कि आधा पक्का लगा था कच्चा है, और हम पक्का वाला पाए हैं आधा, ये हो है नहीं मगर मजा आएगा। रुको तो खाते कर, ये कितना मस्त है, खा के भी दिखा, नमक मेरा से ले रहा है, पटा पटी हो रहा है, खा के भी दिखा दे रहे गाइस। आहा तो खांसी तेरने जैसा तेर दिया बे, अब फूड ब्लॉगिंग की बनाता है इसने पगला, फूड ब्लॉगिंग वैसे नहीं। अच्छा हाँ, तब फूड ब्लॉगिंग में हमका, अरे इतना जल्दी खत्म आ दिया बल्लू, तुरंत खा खत्म आ दिया ही, हम धरले रह गया, खत्म आ दिया खा के, वीडियो बना देंगे आकाश में मिला है, लेकिन वो उसके पास है, देखे वहाँ चलो खा खत्म कर दिया बल्लू, अभी हम भी खा लेते हैं और चलते हैं वहाँ पर। देखे हम लोग वहाँ पर है पिच, वहाँ पर देखो पत्थर रखा हुआ है ना, वही है जहाँ पत्थर रखा हुआ, यहाँ चल के देख के चिन्हा बना हुआ, पत्थर रखा हुआ वही है इसका से उस जगह वहाँ पर। बगला में बताया गया हम लोग करना का है, करना का है जो पतुल है पूरा बांस का, हाँ, बांस का पतुल है वो बहुत भयानक जलता है समझा, सब पतुल को लेके वहाँ धर देना है और घास को पूरा जला देना, उसके बाद दिखेगा कि वहाँ ढिपरा कौन जगह है कौन जगह का है, उसके लिए कोड़ी लाए हैं, उसके बाद प्लेन कर देना है। यही जो गाय सब है दिखाइए, आप जूम कीजिए, ये सब मेरी गाय है, गाय देखिए नाम, नाम नाम उसका नाम राधा है, इसका नाम अनुष्का है, अनुष्का लोग लेटरिंग की होगी उसी को लीप देना है अभी बाद में, लास्ट चीज़। अच्छा हाँ, लास्ट यही हम लोग का प्लान है, उसके बाद खेलना है। अच्छा अच्छा तो सबसे पहले अभी क्या करना है बलराम, पशु ले जाएंगे, चलिए आप आइए मेरे साथ, आपको हम बताते हैं सेंचुरियन में जो पिच बना है ना हम बनाए हैं, सेंचुरियन आप जान रहे हैं साउथ अफ्रीका। अरे वाह बलराम, तुम वहाँ गया कब था? लेकिन हम गए थे 2 साल पहले, जब इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो ODI सीरीज था ना, उस वक्त हमको खास पिच के तौर पे बुलाया गया था, कहें कि वहाँ पर पिच बहुत उछाल था, उछाल पिच को थोड़ा भारतीय वो लोग समझ नहीं पाते थे, कहें कि उसको उन लोग को खेल का आदत नहीं होता है उछाल पिच में, तो थोड़ा सा हम वहाँ मरम्मत किए, थोड़ा सा यहाँ उछाल होता था, थोड़ा यहाँ कर दिए हम, बस बात था, एक पत्र जमा कर रहे हैं। इंडिया भी उस मैच को जीता मेरी ही वजह से, माचिस लाया है कि ना जलाने के लिए, लाए, लाए। तो पैकेट में, पैकेट में। आपको दिखा देना चाहते हैं दुल्हन माचिस, घर जलाने के लिए दुल्हन होती है, उसे ही इसको जलाने के लिए भी दुल्हन। ये रहा हम लोगों का पिच, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, वो मेरा हाथ फोकस कर लिया, वहाँ पर देखो पत्थर हम लोग जला रहे हैं पिच को प्लेन करने के लिए। बताने जा रहे हैं कि माचिस कैसे जलाया जाता है, बोले तो पत्थर कैसे जलाया जाता है, उसके लिए आपको पहले माचिस की ज़रूरत पड़ेगी, और एक माचिस में बहुत सारा कांटे होता है मगर एक कांटे का ही काम है, क्योंकि घर जलाने या चूल्हे जलाने के लिए एक ही माचिस की ज़रूरत पड़ता है, बस जल गया। अब खेल देखिए यहाँ पर, धीरे धीरे ये पूरा जल जाएगा और पिच को पूरा प्लेन कर डालेगा हमें।
गर्म लग रहा है गाइस, तो हम लोग पीछे जाते हैं धीरे धीरे, और घास उस जल जाएगा अभी। गाइस ये पिच जल रहा है, तब तक हम लोग जाते हैं उधर इमली पेड़ के पास फिर से, तब तक पिच रेडी होगा हमारा। आधे दूर तक हो पाया क्योंकि पत्ता ही हम लोगों ने कम लाया। ये हम लोगों का फर्स्ट विकेट, हम लोग इसको मान के चलते हैं, और एक विकेट उधर लगता है। गाइस हम लोग पिच पे आग जला चुके हैं और अभी हम लोग पानी पीने जा रहे हैं। तो मनोज रास्ता में बोले तो मनोज जी क्या बोरिंग चल रहा है देख लीजिए आप, तो इधर धनिया पटा रहा है, हम जा रहे हैं पानी पीने। शाम को ये भी खेलने आता है, तो अब हम इधर पानी पीने जा रहे हैं। दो मशीन लगाया हुआ है यहाँ ताकि ज़ोर से पानी आए और जल्दी पटे। आप देख सकते हैं पीछे में आग लगाने के बाद गाइस हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा से धूप था, और अभी लगभग 3 बज रहा है, और अभी हम लोग फिर से आए हुए पीछे को छीलने के लिए। लेकिन मौसम कितना चेंज करता है उसको देख सकते हो। अभी आ रहा है पानी, धूप उगा हुआ है देख सकते हो, लेकिन पानी आ रहा है। अभी हम बाहर जाके दिखा, अरे बल्लू देखो बैट लेकर, बैट पकड़े पीच छीलने के लिए, बाहर कुदाल भी कोड़ी भी रखे हुए हैं, लेकिन पानी आ रहा है देखो। धूप उगा हुआ है, गिर पानी देख सकते हो गाइस, पूरा बाढ़ जैसा, बाढ़ नहीं मतलब कितना ज़्यादा से पानी आया हुआ है। धूप उगा हुआ इतना ज़्यादा उसे नहीं, देखो कितना पूरा चारों तरफ पानी पानी। कोई बिलीव नहीं कर सकता है कि कोई बिलीव ही नहीं कर सकता है कि थोड़ा देर पहले अभी इतना ज़्यादा सा धूप था कि हम लोग रहने नहीं सक रहे थे, और अभी पानी आ रहा है। देखो फिर से पानी आ गया। देखो ये सबसे अंदर घर के अंदर है, बल्ले तो बैटे लेके रेडी है, तैयार है, कब पानी छोड़ेगा। मेन बैट्समैन यही है। मेरा हाईएस्ट स्कोर बता दो, हाईएस्ट स्कोर बताओ। 10 ओवर में 110 रन, 10 ओवर में 110 रन। देखे धूप उगा हुआ है गाइस अभी, लेकिन पानी मार रहा है लगभग लगभग आधा घंटा। इसको इसको बता इसके बारे में, धूप उगा हुआ है पानी आ रहा है, मतलब कहावत है ना बंदरा और बंदरी के साथ ही हो रहा है एकदम, बात सही। लगन भी सही अभी चल रहा है, लगन भी आ रहा है, लगन भी। आज का तारीख कितना है? 16 तारीख, 16 मार्च 16 तारीख है, आज का लगन भी है। सब लगन पानी में बोला जाता है। अभी थोड़ा देर पहले देखो बर्फ भी गिर रहा था, लेकिन बर्फ का रिकॉर्डिंग नहीं कर सके थे क्योंकि बिजली गरज रहा था, तो हल्का फुल्का था तो ठीक हुआ, कहा कि मेरा बीन खराब हो गया था। देखो बीन उखाड़ा हुआ है बल्लू, अभी बहुत तोड़ना बाकी है बारिश। अभी जैसे पानी छुटाएगा फिर हम लोग चलेंगे पिच के पास। आप पानी छोड़ दिया, चल गया थोड़ा। अभी गाइस जैसा मैंने आप लोग दिखलाया था कि पानी आ रहा था, और अभी 3 बजा हुआ था मैंने बतलाया था, और यहाँ पर देखो अभी भी 3 बजा हुआ, 3:52 बज रहा है, और देखो कैसा पूरा धूप उग गया है, फिर से पूरा मौसम साफ हो गया। देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी आया था कि पूरा भरा हुआ पानी, और देखो बल्लू बारी पटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा पानी पट गया इसका। यहाँ पे देखो पूरा पानी, मौसम इतना ज़्यादा जैसे चेंज करेगा ये हमें जरा सा भी भरोसा नहीं था। गाइस अभी हम लोग पिच के पास पहुंच गए हैं, मतलब ग्राउंड, अपना ग्राउंड में, और यहाँ पर देख सकते हो मैदान में कितना पूरा पानी भर गया। अभी हम लोग यहीं पर ही थे, देखो यहीं पर इमली वाला पेड़ में हम लोग इमली खा रहे थे, और यहाँ पर देखो ग्राउंड का क्या हालत हो गया है, पिच पूरा भींग चुका है। अब ऐसा में हम लोग अरे यार हम आग लगाया था तो पूरा राख राख हो गया रही। चलो अच्छा बल्लू इसके बारे में टेक्निकल रीज़न बताएगा कि अभी यदि अगर हम ऐसा में खेलते हैं, अगर बल्लू ऐसा पूरा पिच तो हम लोग का पूरा भींग चुका है, तो अगर ऐसा में हम लोग बॉल फेंकेंगे तो क्या बॉल टपकेगा? नहीं नहीं, देखिए आपका बॉल भी गंदा हो जाएगा पहली बात, साथ ही पूरा गीला हो जाएगा, टपकाओगे तो ऐसे लुड़ू लुड़ू आएगा बॉल, खेलने मजा नहीं आएगा। अच्छा बताते हैं करीब से पिच का हाल क्या होगा। चलो आप, हाँ तो बल्लू अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग गाड़ते हैं विकेट, या विकेट अभी गड़ा तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा जब पानी डिल गया है तो दिक्कत होगा पूरा। चेपर चेपर पानी देख रहे हैं, पानी देखिए दिखा, या 3 दिन का गर्मी पानी नहीं सुखा सकता है। इसमें आप खेलिए कैसे कैसे खेलेंगे वही तो हमको जानना है। इसको सुखाने के लिए एक तरीका है, घर से सूप लाना पड़ेगा, सूप से पानी फेंकना पड़ेगा एकदम बात। धूप तो है, धूप तो उग गया अभी, अब प्लस भीम का घर में कोयला है, एकदम भीम का घर में ला के जला के बस सेक देना है, 1 घंटा में पिच तैयार। आपको तो पहले वीडियो में भी बताया था कि हम सेंचुरियन में काम कर चुके हैं, वहाँ का पिच भी हम बनाए हैं। सेंचुरियन आपको पता है साउथ अफ्रीका में, तो पिच का असली नॉलेज हम ही दे सकते हैं। इधर आइए,
है, पूरी तरह से मर चुका है, देख सकते हैं आप। खाली यहाँ छीलना बाकी था, ठीक। तो इसको छील दिए और हम लोग घर चले गए। हाँ, घर तो चले गए। पूरा धूप था, धूप था। फिर आग देख रहे हैं, पूरा बरसात, पानी, पत्थर, मौसम, मौसम का खेल देखिए आप। पूरा हवा बांडो पूरा चल रहा है। बैट बॉल तो लाए हम खेलने, खेलने। देख बैट यहाँ पे पकड़ा हुआ है ये। तो अब एक ही इसका उपाय है कि आज इंतजार करना है और इस खेल को कल खेल पोस्टपोन कर दिया जाए, पोस्टपोन किया जाए, बस यही बोलना चाहेंगे। तो यहाँ बनाया तुम लोग, हम लोग सारे क्रिकेटर सब यहाँ पर उदास होकर के हताश हुए बैठे हुए हैं कि अब हम लोग तो यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो इसका बस अब एक ही सोल्यूशन है कि आज हम लोग चलते हैं अपने अपने घर और इस क्रिकेट के मैच को हम लोग नेक्स्ट दिन को पोस्टपोन करते हैं जब तक कि ये पिच हमारे खेलने के लायक ना हो जाए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पिच को हम आने वाले समय में विदेशी टाइप में, जो विदेश में पिच बनाया था उस टाइप में हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि कितना भी पानी क्यों भी है, क्यों ना आ जाए, जमना नहीं चाहिए यहाँ पे, जमना नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर पूरा खेत उत है, दोन उन है, एक रिक्शा हम लाएंगे, रिक्शा में मिट्टी भरेंगे, बच्चा लोग से ढकलुआ लाएंगे, यहाँ पूरा भर ऊंच कर देंगे, तो चारों साइड से जो है ना उससे ऊंचा रहेगा एकदम, बात सही है। और एकदम उसको पूरा एकदम रोड रोलर लाएंगे, उसको पूरा कम कर देंगे और पूरा एकदम पीच। ये भविष्य में क्या जाएगा, हाँ, वो भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, मेरा बच्चा लोग खेलेगा, कोई भी खेल सकता है। तो देखिए साउथ अफ्रीका से मेरा फोन आ रहा है पीच को लेके, हम आपको बता रहे हैं बाद में फोन करते हैं। हेलो। और साथ ही साथ गाइज आप हम लोगों को ये भी बताएं कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, मतलब हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड माय वीडियोस, बाय बाय। तब देख लीजिए बेहतरीन क्रिकेटमैन, बैट्समैन आकाश द ग्रेट को, और आगे बॉलर है नहीं बल रहा बाय बाय। देख सकते हैं पानी, बोला क्या है तो मैं जानता हूं, टाटा बाय, स्टे ट्यून्ड माय वीडियोस, बाय बाय। बोले तो यार।